हमारा बिंदवासिनी धाम नारी शक्ति के सशक्तिकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। याद करिए, एक साथ मां विंध्यवासिनी, मां अष्टभुजी और मां काली खो का त्रिकोण, याद करिए महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में हम सबको जीवन के समग्र कथा का दर्शन कराता है, हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है और नारी शक्ति के प्रति यह श्रद्धा और सम्मान का भाव हम सबके मन में सदैव बना रहे। इसी के लिए मां विंध्यवासिनी धाम में इस अच्छे कॉरिडोर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आने वाले श्रद्धालुओं को भी समस्या न हो, लेकिन साथ साथ मां के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करने के साथ साथ हमारे नौजवानों को अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार की सुविधाएं भी उपलब्ध होती हो। मैं देख रहा था, मैं अष्टमी के दिन पूछ रहा था कि मां विंध्यवासिनी धाम में कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। मुझे बताया गया कि अकेले एक दिन में 35 लाख लोग मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन किए। आप अनुमान करिए, पहले 35 लाख लोग पूरे वर्ष भर में आते थे, आज एक दिन में आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये चीजें दिखाती हैं, सुविधाएं मिलनी चाहिए, कनेक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए और जब ये सुविधाएं बेहतर होती है परिणाम भी उसी प्रकार से बेहतर होते हैं।